आपको बता दिया, वो कह रहे हैं भाई आपके दो चार लोग आते हैं, आप समझाओ राजस्थान राजस्थान को क्या तकलीफ। किसान आंदोलन की तस्वीरें हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने वाले शाहजहांपुर बॉर्डर की हैं। बीती रात यहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे रहे। राजस्थान से आने वाले हजारों किसानों ने यहां डेरा डाल रखा है, क्योंकि हरियाणा पुलिस राजस्थान से आने वाले किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। बीती रात यहां पर किसानों का जमघट लगा रहा। हरियाणा पुलिस द्वारा राजस्थान के किसानों को बॉर्डर पर रोकने के कारण ही किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के साथ सभी किसान रोड पर ही धरने पर बैठ गए। देर रात राजस्थान के आरएलपी संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी किसान आंदोलन में शिरकत की। किसान एकता जिंदाबाद। और मेरे चलते आप निश्चिंत हो जाओ, मेरे को बात का शौक नहीं। हनुमान बेनीवाल के काफिले के बॉर्डर पहुंचते ही पुलिस अलर्ट पर मोड़ पर आ गई थी। एहतियात के तौर पर पुलिस ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर सील कर दिया। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो वह न सिर्फ एनडीए छोड़ देंगे बल्कि लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। हनुमान बेनीवाल अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल आपकी वाजिब मांग है कि किसानों की मांगे अगर नहीं मानी गई, जो किसान संगठन देश के अंदर आंदोलित है, एक मैसेज तो मेरा ये देने का था कि राजस्थान का किसान भी पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ है बिलों के विरोध के अंदर। एक मैसेज तो मेरा है कि मौके पाके मैंने ये दिया। दूसरा ये है कि 7 दिन के अंदर अगर मांग नहीं मानी जाती है तो 2 लाख से ज्यादा किसान जवान इस बॉर्डर पे हम सुबह तारीख तय करेंगे, उस तारीख को यहाँ जुटेंगे और दिल्ली कूच करेंगे राशन पानी समेत। ये मेरा दो संदेश देश के किसानों को भी है। और चूंकि गृह मंत्री जी ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से 3-4 बार बात भी करी और कहा कि एक बार आप आके हमसे बात करो, एनडीए का पार्ट होने के नाते मेंबर होने के नाते मैं किसान हितों में बात जरूर इस मामले में 1-2 दिन में जब भी होगा और इसमें मैं रामपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर ये भी कोई 2-4 लोग प्रतिनिधिमंडल रूप में चलना चाहे तो इनकी मर्जी, नहीं तो ये जैसा चाहें कर लेंगे। मैं एक बार बात करके और मैं चाहता हूँ कि किसानों की जो डिमांड है उनको पूरा। आपने कहा बात नहीं बनती तुम नहीं बनते तो बिल्कुल मैंने एक एनडीए छोड़ूंगा और एनडीए से भी पार नहीं पड़ी तो लोकसभा की सत्ता छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान से आने वाले किसानों को देख हरियाणा पुलिस के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने काफी देर तक किसानों को समझाने की कोशिश की। करीब 1.5-2 घंटे बाद हनुमान बेनीवाल वापस जयपुर लौट गए, लेकिन किसान अभी भी राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो जल्द ही दिल्ली कूच के लिए अपनी अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। हरियाणा के संगठन ने ऐसे बैठ ले रहे हैं बॉर्डर पे, हमने तो कूच का पहले से दे रखा है, इसलिए आज हमने कूच कर ही दिया तो हमारा कूच तो चालू है। 11 दिन पहले से यहाँ पड़ाव पर है, उसके पहले लगातार आंदोलन में है और सबसे पहले पत्र देश में 14 जून को राजस्थान की ओर से पूरे हिंदुस्तान के किसानों की ओर से हमने लिखा था, 21 जुलाई को लिखा, उसमें आंदोलन की चेतावनी दी। तो ये काम तो हमने पहले किया हुआ है और राजस्थान की ओर से देश के किसानों की ओर से हम सदा इस संघर्ष में साथ हैं, सदा संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आशीष कुमार कटारिया के साथ टीम द शूद्र।